टुडे व्हाट वी सॉ वाज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ फेम के लिए विशाल पोटियन जैसे लोग कितना भी गिर सकते हैं. नॉट एवरीबॉडी इज लाइक सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल हु देमसेल्फ हैव मेड देयर नेम अ ब्रांड विदाउट अदर सपोर्ट्स. ट्विटर पे अचानक से ट्रेंड करने लग गया है कि शेम ऑन यू विशाल पोटियन. अब भाई ऐसा क्यों है? एक गाना आया है यूट्यूब पे जिसका नाम है जीना जरूरी है. अब ये जीना जरूरी जो गाना है उसमें आपको विशाल पोटियन दिखेंगे और उस गाने में जो स्टोरी दिखाई जा रही है उस स्टोरी के बैकड्रॉप पे सिद्धार्थ शुक्ला को दिखाया जा रहा है. अब जो सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस है उनका कहना यह है कि विशाल पोटियन जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपना फेम पाने के लिए, मतलब अपने आप को हिट करने के लिए या फिर लोगों के नजरों में बनाए रखने के लिए. इसी टॉपिक पे बात होगी. चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो एंड तक जरूर देखना. तो पहले बात करते हैं कि पब्लिक क्या क्या कह रही है विशाल पोटियन को. हजारों में लोग जो है एक पोस्ट को जो है बार बार दिखा रहे हैं जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की तरफ से आया था सिद्धार्थ शुक्ला के डिमाइस के बाद में, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा तो वो हमारे परमिशन के बिना नहीं लाया जाना चाहिए. और इसी को लेकर के जो है सभी लोग टैग कर रहे हैं और बता रहे हैं विशाल पोटियन को कि तुम कितने नीच हो, नल्ले साले, ब्लडी सुपर फ्लॉप एक्टर, वैसे कोई काम का नहीं है तू और भी और अब किसी काम का रहेगा नहीं तू. आई प्रॉमिस यू ऑल गेट दिस बैक, सुपर फ्लॉप विशाल पोटियन. ओके, शर्म कर लो सालों, अगर उसके फैमिली ने मना किया है तो मना किया है. हाउ डेयर यू टू यूज सिद्धार्थ पिक्चर विद अ गार्लैंड, स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला, शेम ऑन विशाल पोटियन. टाइम प्रूव दैट सम बंच ऑफ फेक सिद्धार्थ fake are actually Sana hater, no Sid or his family didn't matter to them. तो use करते हैं and जो भी है, shame on you विशाल पोटियन, you can read over there. Song report कैसे कर रहे हो तुम लोग? प्ले नहीं होना चाहिए. फर्स्ट सेटिंग में जाओ, ऑटो प्ले ऑफ करो एंड देन रिपोर्ट करो सॉन्ग को. शेयर स्क्रीनशॉट हियर, स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला, हैशटैग सिद्धार्थ शुक्ला, शेम ऑन यू विशाल पोटियन. तो इस तरह के ट्वीट्स एकदम भरे पड़े हैं. मैं जितना भी पढूं यही सारी चीज लिखी हुई है, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू. दैट्स गुड, सही है. सबकी प्रतिक्रिया, सबका रिएक्शन एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है. अब गाने के अंदर में स्टोरी ये रहता है कि विशाल पोटियन एक लड़की को डेट करता है, मतलब बीच में बैठा है और वो जाता है एक लड़की को ये सोच करके बचाने के लिए कि वो जान देने के लिए जा रही है. उसके हाथ से फिर फोन गिर जाता है, फिर उन दोनों के बीच में अफेयर होता है. फिर अचानक से लड़की को दिखाया जाता है एक रूम के अंदर जो कि विशाल पोटियन के घर के अंदर का सीन दिखाया जा रहा है और दीवार पे फोटो लगा हुआ रहता है सिद्धार्थ शुक्ला का विद हार और उसको देख करके वो कहता है ये मेरे बड़े भैया है. अब उसके बाद से दिखाया जाता है कि वो लड़की उसी से प्यार करती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है और ये शॉक्ड हो जाता है उन दोनों के बीच के रिलेशन के फोटोज देख करके. एंड स्टोरी इज एंड और एंड में कुछ ऐसा लिख दिया जाता है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कि तुम्हारी मुस्कुराती तस्वीर को देखकर हम बार बार रो देते हैं और आप यहाँ से कहीं गए नहीं हो, आप हमारे दिल में ही हो. विशाल पोटियन इज अ प्लेयर, ठीक है, जो कि वो बिग बॉस के अंदर में जैसा वो कर रहा था वो पूरा क्लियरली समझ में आ रहा था. हाँ, मुझ जैसे कुछ इमोशनल फूल्स रहे होंगे जो उस वक्त में उसको सपोर्ट करते थे. फिर धीरे धीरे जैसे वो शमिता शेट्टी के बारे में खुलना शुरू हुआ और उसकी जिस तरह से थॉट सामने आने लगी, समझ में आ गया यार ब्लैक में टिकट करने वाला बंदा अपने सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकता है, जो कि आजकल कोई भी करता है. देयर इज नो हार्म. हाँ, हर कोई अपनी सीढ़ी बनाता है और उसने भी बनाया. ये मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि विशाल पोटियन ने यूज किया है और वो हर वो मौका जितना भी उसको मिलेगा वो उसे इस्तेमाल करेगा अपने लिए. अब कोई अगर इतना वक्त दे और उसके बाद से भी अगर उसको सक्सेस ना मिले तो भाई ऐसा होता है, देयर इज नो बिग डील. हम यूट्यूबर्स भी यही करते हैं, जब हमें कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं मिलता है तो हम फिर ढूंढने लग जाते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के कि भाई हमें कुछ ऐसा मिले तगड़ा जहां पे भाई लोगों का ध्यान जाए. बात यहां पे आकर के अटक रही है कि कुछ पब्लिक जो है जाके शहनाज गिल को भी कह रही है शेम ऑन यू शहनाज गिल. लेकिन बीइंग अ सिद्धार्थ फैन, मैं शहनाज का फैन कभी भी नहीं रहा हूं. मुझे एकदम से बकवास लगती थी ड्रामेबाज, मतलब उसको अपना तरीका पता था कि मुझे कैसे कैमरे के सामने में बने रहना है. उसने धीरे धीरे करके सिद्धार्थ तक पहुंची, उससे पहले उसने काफी लोगों को ट्राई किया और देखा कि सिद्धार्थ ही सबसे स्ट्रांग है इस गेम में और इसके साथ अगर हो लिए तो फिर एंड तक टिके रहेंगे, जो कि हुआ भी. अब मुझे पता है इस स्टेटमेंट के बाद में जाकर के सभी कमेंट सेक्शन पे पूरा अच्छे अच्छे मंत्र पढ़ने वाले हैं, गुड फॉर यू एंड गुड फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मुझे एंगेजमेंट मिलेगा बॉस. तो भाई प्यार हो गया और प्यार होने के बाद में कहानी आगे बढ़ने लगी. जब सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस हुई उसके बाद से जो भी दिखाया गया ठीक है, वो नॉर्मल है, कुछ गलत नहीं था. लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद में शहनाज गिल ने भी गाना लाया. अब उसके पास में कोई लीगल ऐसा कुछ तो था नहीं कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, बीवी तो थी नहीं ना बॉस, गर्लफ्रेंड थी. अब वो भी एक रियलिटी शो में बनी थी. हाँ ठीक है यार, किसी का भी कनेक्शन कहीं पे भी बन सकता है, देयर इज नो बिग डील, कुछ भी गलत नहीं है. किसी किसी का दो मिनट का भी कनेक्शन लाइफ टाइम का हो जाता है, दैट्स गुड. लेकिन मैडम ने भी तो यूज किया था ना उस वक्त में हर जगह से. मैं विशाल पोटियन को अभी भी नीची कह रहा हूँ, गलत
नहीं है, जो आप लोग कह रहे वो सही है, लेकिन किसी ने शहनाज गिल पे ये चीज नहीं कहा। शहनाज गिल जब आती है सेट पे बिग बॉस के, सलमान खान से जब गले मिलती है, सलमान खान वॉज ऑल्सो डूइंग समथिंग ओवर के गले लग करके काफी देर तक होल्ड किया, देन ही लीव, और उसके बाद से थोड़ी सी आंखें, ठीक है, हो सकता है इमोशन राइट हो, जो है सही हो, हर तरह से वो अंदर से मतलब हो वैसा, लेकिन यार मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी को रोना आ रहा हो वो कैमरा पकड़ करके रोए। देखो मेरे पास में भी वीडियोस की कमी होती है, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम होता है, अब मैं आ करके बार बार गले फाड़ करके यूट्यूब में नहीं कहता मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में वो हो रहा है, सॉरी गाइस मैं वीडियो नहीं बना सकता, दैट्स कॉल्ड अ फेक थिंग। पता है सबसे बड़ी फेक कौन थी बिग बॉस में? हिना खान। वो कैमरा देख करके रोने बैठती थी कि यहां से मेरा एंगल एकदम सही आएगा, लोग मुझे देख पाएंगे, करके रोना। मीन्स समझ रहे आप, कोई कैमरा को दिखा करके नहीं रोता, और जिसको सच्ची में यहाँ से फील होता है ना कि भाई मुझे बहुत पेन हो रहा है, वो सारा पेन जो है ना वो कैमरे के सामने में नहीं लाते हैं, वो अंदर कहीं और चल रहा होता है। कैमरे की दुनिया और रियल वर्ल्ड में बहुत फर्क रखते लोग, और वो चीज जो है यहाँ पे नहीं रखा गया। मतलब ये बताया जा रहा है कि शहनाज गिल नाउ इज रेडी फॉर शूट, अभी वो रिकवर हो चुकी है, सॉन्ग कर रही है, बॉस तुम्हें मेकअप लगाने को मिल रहा है, तुम्हें सब कुछ करने को वक्त मिल रहा है, तुम्हें रोना भी आ रहा है, तुम कर भी रहे हो, तुम्हारा पीआर तुम्हें हैंडल भी कर रहा है, ये जो है ना दोगलापंती है, समझे? आप लोग फैंस हो, दैट्स गुड, फैन होना बनता है, क्योंकि वो ऐसा बंदा था, और मैं भाई उसके चिढ़ और उसके गुस्से पे भाई बहुत ज्यादा फैन हुआ करता था, क्योंकि उसके अंदर का जो चिढ़ था, उसके अंदर का जो गुस्सा था ना, वो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर जाता था, और मैं बोलता था एग्जैक्टली यही होता, और दुनिया नहीं समझती, दुनिया बस बोलती है कि तुम हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर में प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ईगो सामने आ जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला जैसा जो कैरेक्टर अगर आपके अंदर में हो तो आपको लोग यही कहेंगे, लेकिन आप सिद्धार्थ शुक्ला को इसलिए प्यार करते हो क्योंकि आपको पता है वो अंदर से कैसा है और जो बाहर से जो गुस्सा दिखा रहा है वो कैसा है। अब ये मत सोचो कि मैं किसी पे इल्जाम लगा रहा हूँ, शोबिज इंडस्ट्री हमेशा से ऐसी ही रही है, हमेशा हर चीज का सही वक्त का वो इंतजार करती है, और उस वक्त पे ही उस चीज को रिलीज करती है जिससे उसका फायदा हो। अब इसके पीछे का भी रीजन ये है, किसी ने करोड़ों रुपए लगाए होते हैं, लाखों करोड़ों फ्री में नहीं आते हैं, वो भी अपना पैसा डबल करना चाहता है, वो किसी हीरो या हीरोइन के जज्बात नहीं देखते कि वो अंदर से कितने टूटे हुए हैं या फिर वो कितने ज्यादा प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, उनको बस एक चीज पता है, मुझे जो डेट दिया गया था उस डेट के अंदर में ये सारी सीन्स खत्म होने चाहिए, मेरा प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, और मेरा जो पैसा लगा है वो सही टाइम पे और सही रिटर्न के साथ में वापस आए। और वैसे भी यार बिग बॉस से निकले हुए ज्यादातर लोग जो है ना वो कहीं पे देखे नहीं जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो सही जगह पे पहुंच पाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए एक अपना सक्सेस क्रिएट कर पाते हैं, वरना आप सबको पता है यार कि क्या है एग्जैक्टली बिग बॉस। एग्जैक्टली वो शो है जो कि इंडियन और खास करके इंसान के अंदर की फितरत को जो है उजागर करती है, कुछ इस तरह से कि हम कभी भी किसी का झगड़ा देखते हैं ना, और हम कहीं जरूरी काम से भी जा रहे होते हैं फिर भी हम वहां पे रुक करके 10 मिनट दे देते हैं, और बिग बॉस का शो का टाइम ही ऐसा रखा जाता है कि आप खा पी करके आराम से लेट नाइट में बैठ करके पंगा देखो, और जब तक आपको पंगा नहीं मिलता आप क्या बोलते हो, बिग बॉस में अब वो बात नहीं रही। जब वो टीआरपी लाने के लिए कुछ करती है तो हम ये भी बोलते हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है, सब टीआरपी के लिए किया जा रहा है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, विशाल कोटियान नीच है, जो उसने किया है वो गलत है, किसी के डिमाइस के बाद में उसका नाम का यूज करना बहुत गलत है, जितनी गलती उसकी है उतनी ही गलती उन सभी लोगों की है जो उनके नाम को इस्तेमाल करते हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है बॉस, शोबिज का जो काम है ना वो जिंदा इंसान तो छोड़ो, मरे हुए इंसान के भी गोश नोच करके पैसा कमा लेती है। थिंक बिफोर सेइंग एनीथिंग टू एनीवन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।